हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट्स बाय स्निग्धा। एंड मैं हूँ स्निग्धा। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लैम 21 ट्विंकल आईज की 10 कलर्स ग्लिटर आई शेडो पैलेट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। एंड आपको मैं इस जो आई शेडोज है उसके सारे के सारे स्वेचेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेती हूँ। एंड ये कुछ इस तरह से बबल रैप में मुझे रिसीव हुआ है एंड अंदर मिला है एक थैंक यू नोट। तो इस प्रोडक्ट को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरह से बबल रैप में मुझे रिसीव हुआ है, जिसकी वजह से आपके पैलेट जो है वो टूटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो बाहर से ही कि ये पैलेट कितना प्रीटी दिख रहा है, तो अंदर जाके इसके कलर्स कितने प्यारे होंगे। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो इसके साथ मुझे ये जो एलोवेरा जेल जो आप देख रहे, एलोवेरा जो मॉइस्चराइज़र है आप लोग देख रहे हो, ये मुझे इसके साथ कम्प्लीमेंटरी मिला है, जो कि मैं बाहर साइड में रख लेती हूँ। एंड अब देखती हूँ मेरा मेन प्रोडक्ट, ये है ग्लैम 21 ट्विंकल आईज आई शेडो पैलेट, जिसका मेरा शेड नंबर है 01। एंड इसके पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, आप चाहो तो मेरे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो चलिए मैं इसे अब ओपन कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ द गॉर्जियस आई शेडो पैलेट, बहुत ही प्रिटी है। आप लोग देख सकते हो इसमें 10 कलर्स आई शेडो पैलेट है, एक्चुअली इसमें 9 कलर्स आई शेडो है एंड एक जो है क्लियर जेल दिया गया है। एंड उसमें भी बहुत ही अच्छे स्टार मून्स ये सब कुछ बने हैं, जो आप चाहो तो इससे आप डिफरेंट फंकी लुक्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर ग्लिटर्स बहुत पसंद है एंड आपको पार्टी ओकेशंस में थोड़ा सा गॉर्जियस लुक चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट पैलेट है एंड आपके पास ये होना ही चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसके सारे स्वाचेस। तो ये जो रेड कलर है, पहले इसका स्वच मैं दिखा देती हूँ। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा टच करने से ये बिल्कुल बटर की तरह अपने हाथों पर अप्लाई हो रहा है। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल ब्लू कलर, आप लोग देख सकते हो जिस तरह से मेरे हाथ में पिक हो रहा है उसी तरह से ये बिल्कुल बटर की तरह मेरे जो हाथ है वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये लग जा रहा है। तो नाउ दिस इज़ द लाइट ब्लू कलर, जो कि बहुत ही प्रिटी है, शाइन इसकी बहुत ज़्यादा है एंड थोड़े से चंकी ग्लिटर्स इसमें हैं, लेकिन ये बटर की तरह स्मूथ एप्लीकेशन हो रहा है। नाउ दिस इज़ द पर्पल कलर, जो कि अगेन काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप लोग देख सकते हो बहुत इजीली ये आपके आईज़ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं किसी आपको आई लुक में इसे ज़रूर मेंशन करूँगी। तो नाउ दिस इज़ द ब्यूटिफुल गोल्डन कलर, आप लोग देख सकते हो कितना प्रिटी है ये सारे कलर्स। तो अब भी मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ द ग्रीन कलर एंड ये भी बहुत इजीली पिक हो रहा है। सारे के सारे जो आई शेडोज हैं बिल्कुल सेम, मतलब बटरी सॉफ्ट है। तो ये इस तरह के दिख रहे हैं एंड बहुत ही शाइन है इनमें। नाउ दिस इज़ द ब्यूटिफुल ऑरेंजिश कलर, तो इसे भी मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ, बहुत ही प्रिटी है, आप लोग देख ही सकते हो इसका शाइन। एंड नाउ दिस इज़ द आई थिंक सो ये कलर जो है ये थोड़ा सा कॉपर कलर मैं नहीं बोलूँगी, मैं इसका जो कलर है एग्जैक्टली मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा सिल्वरिश कलर है लेकिन बहुत प्रिटी है। तो ये था ये ब्यूटीफुल पैलेट की स्वाचेस, बहुत ही अच्छे से ये हाथों पे अप्लाई हो रहे हैं। एंड दिस इज़ द क्लियर जेल, जिसमें कि चंकी मून स्टार्स ये दिए गए हैं, जिससे आप इजीली फन लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड ये सारे जो आई शेडोज हैं इसे लगाने के लिए आपको किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल जो है ये प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, ईजिली आपके आईज़ पर अप्लाई हो जाएंगे एंड इसके अंदर तक बिल्कुल आई शेडो ही है, मतलब कि ग्लिटर दिए गए हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल पैलेट एंड इट कॉस्ट मी 369 रुपीज़, फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस किया है। इसके लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर आप लोग चाहो तो ज़रूर वहाँ से बाई कर सकते हो। एंड
काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पैलेट। तो अगर आप लोग किसी भी पार्टी ऑकेशन में जा रहे हो एंड ग्लिटर अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड ये काफ़ी अच्छे ग्लिटर्स हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये नहीं हिल रहे हैं, ये जहाँ पे लगाया है वहीं पर बिल्कुल वैसे ही स्टिक है। एंड ये पानी वगैरह से नहीं जाने वाले हैं, आपको फेस वॉश करना पड़ेगा तभी ये उठेगा। तो ओवरऑल ये जो पैलेट है ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसके सारे के सारे ग्लिटर्स के जो कलर्स हैं बहुत ही प्रिटी एंड गॉर्जियस हैं। एंड दूसरी बात ये है कि इसके जो ग्लिटर का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बटरी सॉफ्ट है। तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।